subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज सुमेरा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो 2 महीने हो गए हैं हमारा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग तक नहीं पहुंचा है. तो हम लोग रिसेंटली अभी जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो है न्यू फूड्स जो अभी मार्केट में आ रहे हैं. तो आज हम लोग उसी के बारे में रिव्यू आपको देंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं. तो चलिए हम ये फूड के ऊपर आज बात करेंगे कि टीम्स न्यू फूड आया है. नेट वेट इसका 1.2 केजी है और इसका प्राइस कुछ आया है 520. मियो एंड विस्कस 420 रुपीस पर केजी है. 520 मतलब एग्जैक्टली सेम प्राइस का फूड है. ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे फूड नहीं है. बट क्या हमें ये अपने कैट्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये रिव्यू अभी मैंने नहीं लिया है. ना ही मुझे क्लाइंट रिव्यूज़ अभी आए हैं इस कैट फूड के ऊपर. तो मेक श्योर अगर आप ये कैट फूड बाय कर रहे हो तो रिव्यू आप पूरा पढ़ लीजिए. ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मुलेटेड इन USA है, इंडियन ब्रांड नहीं है. हम अगर मियो में भी देखेंगे और विस्कस में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओशन फिश ही चलता है. तो इससे ही इसकी कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है फॉर एडल्ट कैट. तो अभी हम लोगों को रिव्यूज़ नहीं मिले इस कैट फूड के. मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये नया है. बट अगर आपके कोई भी आसपास के पेट शॉप में ये अवेलेबल है तो प्लीज़ एक बार नेट पे सारे रिव्यूज़ पढ़ लीजिए. क्योंकि कोई भी नई चीज़ कैट को देने के लिए हमें सबसे पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ना होता है. एंड जो कि ये कह रहा है नो कॉर्न सोया एंड वीट, विच इज़ वेरी गुड. क्योंकि हमें बिल्कुल भी ये कैट फूड में नहीं चाहिए. हमें पूरा फुल ग्रेन फ्री कैट फूड चाहिए. सेकेंडली हमको पूरा हाई प्रोटीन कैट फूड चाहिए जिसमें एनिमल प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए. तो ये ध्यान रखना है. अगर नया आपके आसपास के पेट शॉप पर ये चीज़ अवेलेबल है तो एक बार इंटरनेट पर रिव्यूज़ पढ़ लीजिए कैट फूड की कि कैसा क्या ये कैट्स को हेल्प कर रहा है. उसके बाद अपने कैट को ये फूड स्टार्ट कीजिए. बिना पढ़े लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर बाद में मुझे पूछते हैं कि ये हमें देना चाहिए था कि अपने कैट्स को नहीं देना चाहिए था. तो ये कुछ नया आया था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया अभी. बट बिफोर गिविंग प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ चेक कर लीजिए. या अगर आपको ट्राई भी करना है तो वैसे भी ये मियो के इतना ही है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे जहाँ दिख रहा है नो कॉर्न सोया एंड वीट, ये हमको मैटर करता है. हमें ग्रीन फ्री कैट फूड चाहिए. हमें प्रोटीन में भी अपना आपको एनिमल प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए. एंड जो कि सैरडिन एंड मैकरल है. इसके बहुत सारे अभी ग्रेवी के पाउचेस भी आने लगे हैं मियो में. तो ट्राई करके देखिए अगर आपके कैट को अच्छा लगता है. बट फॉर नाउ मेरे पास इसके अभी सिर्फ ये कैट फूड है, इसके रिव्यूज़ मुझे नहीं आए हैं. सो अब हम बात करेंगे न्यू ब्रांड की मूची, जिसके ग्रेवी के पाउचेस अभी आए हैं, कैट फूड नहीं आया है. सो इसमें 3 वेराइटीज़ है जो अभी हमको मिली है, जो कि है
ओके, तो सो दीज आर मोचीज़ ग्रेवी जो कि अभी न्यू आई है एंड जिसमें कि अभी आई थिंक 6 इसमें फ्लेवर्स हैं, बट अभी मेरे पास सिर्फ 3 आए हैं, जिसमें से एक है वेट कंट्रोल, दूसरा है सालमन मूज एंड थर्ड है ब्यूटी स्किन एंड कोट। ये दो, इसका तो नो डाउट कैट को बहुत ज़्यादा पसंद आया है मूज। बहुत सारी कैट्स को जिनको जेली पसंद नहीं आती है उन्हें मूज पसंद आता है बिकॉज ये पूरा थिक होता है एंड इजी टू ईट रहता है। जेली कोई कोई कैट को पसंद आती है, कोई कोई को बहुत ज़्यादा मूज पसंद आता है, सो दिस इज़ वेरी गुड। सालमन है तो इशू नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैट को सालमन ज़्यादा पसंद होता है एंड मूज है तो वेल एंड गुड। ये वेट कंट्रोल है जो कि अगर अपन आपके कैट स्पेड है या फिर न्यूटर्ड है तो दोनों को ये चल जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मोटे होने के कैट्स के, तो ये आपको वेट कंट्रोल के लिए अब आपके कैट को ये दे सकते हो। तीनों ही बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स है और तीनों ने ही अपना बेस्ट काम किया है और मैं अपने कैट को सबसे ज़्यादा देना पसंद करती हूँ ब्यूटी स्किन एंड कोट, क्योंकि ये कैट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फ्लेवर की, जो कि ये वाला अभी वेट में आया है। ये काफ़ी टाइम फूड में आता है, अपना ड्राई फूड में आता है ब्यूटी स्किन एंड कोट, सो ये फूड बहुत अच्छा चलता है। और जो कि आरसी में आप देखेंगे ब्यूटी स्किन एंड कोट, जिसका 21 डेज़ का चैलेंज भी है और उसमें हमें रिव्यू भी मिलता, बहुत अच्छा मिलता है 21 डेज़ का, जिसमें हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाता है, जो कि रॉयल कैनन के फूड में आता है। अभी इसमें मियो भी आता है स्किन एंड कोट में, और दूसरा अभी एक लारा करके फूड जो मैंने आपको इसके पहले भी इसको रिव्यू किया था उसमें भी स्किन एंड कोट आता है। ये बहुत ही अच्छा फूड होता है, बट पहली बार ब्यूटी स्किन एंड कोट की ग्रेवी आई है तो ये मस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल देती हूँ अपने कार्ट को। एंड द न्यू ब्रांड इज़ डक्स, ये भी कैट्स और किटन बहुत ही शौक से खा रहे हैं, ये अभी न्यू आई है और बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं अपने छोटे किटन जिसको। एंड इसकी कोई ऐसा मैंने जहाँ पे क्लाइंट से रिव्यू लिया इसके ऊपर कि किटन्स को लूज़ मोशन है या कुछ, तो बिल्कुल इसके ऊपर रिव्यू आया है कि कुछ भी हमारे कैट को हुए नहीं है, बट सबका अलग अलग होता है, बट वी ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल एग्री। ओके, तो आपने देखा है हमेशा टेम्पटेशंस में जो होता है वो ड्राई ट्रीट्स आती थी, अब इसमें क्रीमी स्टेजेस भी आने लगी है। इसमें दो फ्लेवर आए हैं, एक चिकन एंड लिवर है एंड दिस इज सालमन एंड चीज़ फ्लेवर। ये कुछ 120 रुपीज़ के लिए आया हुआ है अपने पास और ये 4 कैंडीज इसमें होती। सो मियो हम डेली बेसिस पे अपने कैट्स को देते हैं, बट टेम्पटेशंस थोड़ा सा प्रीमियम ग्रेवी है, सॉरी प्रीमियम ड्राई ट्रीट्स है। तो अब ये जो न्यू आया है क्रीमी स्टिक्स जो कि टेम्पटेशंस का है एंड दिस इज़ फॉर 120 रुपीज़, और हम हमारे कैट्स को बहुत जो भी अच्छा अच्छा खिलाने के लिए सोचते हैं, यू गाइस कैन गो फॉर दिस टेम्पटेशन क्रीमी स्टिक्स। सो ये भी बेस्ट है देने के लिए, तो हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा हमारे कैट्स को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। एंड टेम्पटेशन का ब्रांड है तो हमने इसके ड्राई ट्रीट्स भी अपने कैट्स को बहुत खिलाए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरे कैट्स ये वाली ग्रेवी कितना ज़्यादा पसंद करते हैं।